गाइस कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज है संडे और हमारे यहाँ लगती है संडे मार्केट। तो हम आज जा रहे हैं सब्जी लेने। एक हफ्ते की हम सब्जी ले आते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट फिर बाद में लगती है। तो कभी कभी वैसे जा सकते हैं बाजार लेने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन संडे मार्केट बहुत बड़ी लगती है। तो चलते हैं हम संडे मार्केट में और आपको दिखाते हैं संडे मार्केट के कुछ नज़ारे। तो अब हम लोग जा रहे हैं संडे मार्केट और संडे मार्केट जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं हमारी स्कूटी से। तो मिलते हैं आपसे नीचे। तो देखना है, मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है तो अकेले गाड़ी कैसे चलाई जाती है। तो एक खुशी स्कूटी चलाने की जिद कर रही है पर मैं सांस दूंगी नहीं क्योंकि बारिश हो रही है, रोड बहुत खराब है। तो गाइस अभी हमने देखा यहाँ पे लोग जो है ना मतलब वैसे लेके जाते हैं अपने वो जो ट्रॉली वाले बैग होते हैं ना वो लेके जाते हैं शॉपिंग के लिए। और अभी हम जा रहे हैं कहीं, तो जा रहे हैं मम्मी ने बताया मतलब संडे मार्केट जा रहे हैं, लेकिन कौन सी रोड से जा रहे हैं ये नहीं बताया। दूसरी रोड से जहाँ पे इसको मैं जानती नहीं हूँ, रोड को देखे सुंदर है। ये देख सकते हैं गाइस हमारे द्वारका का सबसे बड़ा मॉल, क्योंकि कैमरा भी नहीं आ पा रहा है, वेगस मॉल। तो हम गाइस अब पहुंच चुके हैं। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं संडे मार्केट, यहाँ पूरी भीड़ है। अभी मम्मी हर एक दुकान में जाके टमाटर देखेगी, प्राइस पूछेगी, रेट सही नहीं मिला मतलब वैसा ही मिला तो जहाँ से आई थी वहीं से ले लेगी। यहाँ बहुत भीड़ है देखो। फाइनली भिंडी की शॉपिंग हो गई और मम्मी ने भिंडी तोड़ मड़ोड़ के देखी है कि कैसे अच्छी है भिंडी की नहीं। और यहाँ पे हमारी शॉपिंग का शुभारंभ होते हुए सबसे पहले आई है भिंडी, उसके बाद आई है बीन्स। तो गाइस हमने भिंडी बीन्स खरीद ली है। सो गाइस हमारी दूसरी शॉपिंग होते हुए और दूसरी शॉपिंग में हमने ली है लौकी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर गाइस यहाँ पे मम्मी ने दो ऐसी सब्जी ले ली है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, देख सकते हैं आप गाइस खा गई। देखो लौकी और कद्दू मम्मी ने ले लिया है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी ले लिया है। और ये भिंडी, और भिंडी मुझे पसंद है, बीन्स मुझे पसंद है, लेकिन मम्मा आपने क्या लिया है? लौकी और कद्दू। तो गाइस लौकी कोफ्ते बनाएगी मम्मी, वो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन खाली लौकी मुझे अच्छी नहीं लगती। और कद्दू का क्या करोगे मम्मी, सवाल है ये आपके लिए। तो
तो गाइस यहाँ पे ये जो रोड है ना ये टूट रही है, तो बहुत पतली सी मार्केट हो गई है ये, और यह रोड बहुत कच्ची है, मतलब पहाड़ की तरह। अब यहाँ पे मम्मी जो है शॉपिंग कर रही है, यहाँ पे मम्मी ने अपनी सारी सब्जियाँ रख दी है गाइस, तो अब हम आपको मिलते हैं थोड़ी शॉपिंग करने के बाद। तो गाइस यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ी मिल गए हैं, पहाड़ी लोगों का यही होता है, मतलब जान के भी जान जाते हैं, ये भी कुमाऊनी है, ये भी कुमाऊनी है, ये भी पिथौरागढ़ से, ये भी पिथौरागढ़ से है, यही होता है गाइस उत्तराखंडियों में, जान के भी ना जान के भी जान जाते हैं, देख सकते। तो गाइस हम लोग ने सब्जी ले ली है थोड़ी बहुत, और बैग लाए नहीं, इनने बोला स्कूटी पर रखा हुआ, मैंने चेक नहीं करा, सिद्धू जा रहा है आगे, वो कुछ इन्हें पकड़ा हुआ है, तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर सब्जी वब्जी लेकर, और इन लोगों ने छोले भटूरे भी खा लिए, और अब घर पहुंच चुके हैं, अब फटाफट सब्जियों को धोखा के फ्रिज में रखते हैं। तो आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही, अब आपसे मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। Thank you.